में बढ़ना चाहिए मार्च में। तो अभी हम उसके लिए फोकस कर रहे हैं कि मार्च में 5 करोड़ की टर्नओवर कैसे करें, और इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज और आप सबके सहयोग से ही हम ऐसा कर सकते हैं। तो अभी हम उसको लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, और इसीलिए थोड़ा सा मैं आपकी मैक्सिमम मीटिंग में नहीं आ पा रहा था। तो ऑलरेडी अगर हम आज की मीटिंग में देखें तो देवेंद्र राठौर जी, अशोक जी हैं हिसार से, वसीमा फारूकी मैम है जो हर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती हैं वसीमा जी, और मैम का मुझे नाम भी याद हो गया है क्योंकि मैम का जो रहता है हर बार, रेवा देवी जी भी हमारे साथ रेगुलर मीटिंग्स में रहती हैं, रेखा नेगी जी हैं, रंजिता मैम है दिल्ली से, रंजिता मैम भी जितने भी हमारे कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, रामकृष्ण शर्मा जी हमारे साथ हैं, पीयूष जोशी जी ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट जो हमारा कॉन्टेस्ट था, पीसी मीना जी जो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्रूटर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि पीसी मीना जी का जो सर्वश्रेष्ठ है वो भी आना बाकी है, क्योंकि स्टार्टिंग में पीसी मीना जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट मुझे लगता है कि अभी दोबारा से सर्व का वो होना बाकी है। ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं, निशा जी हैं, काजल जी हैं, हिमानी मैम के बारे में ऑलरेडी विकास जी बता चुके हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है। और अगर हम बात करें कि अगर मैं खुद की बात करूं तो मुझे लगता है कि जैसे ब्यूटी इंडस्ट्री, हो सकता है कि एक बार के लिए जब मैं 2004 में आया था तो मेरे लिए बिल्कुल नई थी, बट हिमानी मैम तो ऑलरेडी चैंपियन है इस इंडस्ट्री की, गोविंद जी हमारे साथ हैं, डीके नाम से भी कोई है, भारत सोनी जी, योगेंद्र सिंह जी, अशोक हिसार ऑलरेडी मैं नाम ले चुका हूँ, बेग साहब है हमारे साथ, रामलाल सैनी जी, माया सैनी जी और पूजा जी और करण जी, तो दो पावरफुल कपल भी हमारे साथ है इस मीटिंग में। और ऑलरेडी जब हस्बैंड वाइफ मिलके बिजनेस बिल्ड करते हैं तो बहुत ही बड़ी आती है, तो हम लोग ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि काफी कम समय हमारे पास है अभी। और इसमें अगर हम बात करें तो जैसे आज की जो मीटिंग है अगर हम उसमें बात करें तो चार बड़ी क्लोजिंग है जनवरी की जो अभी बची हुई हैं, और अगली जो हमारी क्लोजिंग है वो 14th को है। आप में से बहुत सारे लोगों ने काफी मेहनत की है पहली क्लोजिंग में, तो देखिए जो वीकली क्लोजिंग है ये एक बहुत बड़ा मौका रहता है हमारे लिए। क्लोजिंग की बात हम लोग क्यों करते हैं, क्लोजिंग की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि क्लोजिंग से पे आउट आता है और पे आउट से हमें एक मोटिवेशन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फोकस करें 14 तारीख को, 14 तारीख को हम कौन सा लेवल करना चाहते हैं, कौन सा पे आउट अर्न करना चाहते हैं, 14, 21, 28, तो 3 क्लोजिंग हमारे पास है और एक 31 अक्टूबर की बहुत बड़ी क्लोजिंग हमारे पास है। तो थोड़ा सा अभी से अगर हम देखें, क्या हम चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मुझे क्या चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं आप 14th 14 तारीख की जो क्लोजिंग है हमारी, क्या आप मुझे लिख सकते हैं कि आप कौन सा टारगेट आप सेट करना चाहेंगे, तो मैं चैट बॉक्स में वेट करूंगा, इंतजार कर रहा हूं आप सबके आंसर का। कौन सी क्लोजिंग, कौन सा लेवल के लिए आप प्लान करना चाहेंगे, क्या वो 5-5 हजार SV होगा टीम बोनस का, क्या वो 10-10 हजार SV होगा, क्या वो 20-20 हजार SV होगा, क्या वो 40-40 हजार SV होगा, क्या वो 75-75 SV होगा, क्या वो 1.25 लाख 1.25 लाख SV होगा। तो क्योंकि देखिए प्लानिंग बहुत जरूरी है, कोई भी फेल होने की प्लानिंग नहीं करता, लोग प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं, तो ये गोल सेट करना बहुत जरूरी है। अपने आप को ये पूछना बहुत जरूरी है कि मैं इस बार कैसे करूंगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फ्राइडे की थर्सडे की सुबह लॉग इन करने के बाद फैसला करते हैं कि वो आज कितना मैच करेंगे, अगर उनका 14 हो रहा है तो सोचते हैं 20 कर लेंगे, अगर उनका 3 हो रहा है तो सोचते हैं 5 कर लेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे रामलाल सैनी जी, भरत सोनी जी, पीसी मीना जी, पूजा जी और करण सिंह जी भेज चुके हैं, बाकी लोग भी मैं चाहता हूँ कि आप जरूर भेजें, और ये जो वायदा है ये आपको खुद से करना है, और ये टीम बोनस के साथ अच्छी बात क्या होती है कि ये हम लोग फ्राइडे थर्सडे को क्वालिफाई करते हैं और अगले बुधवार तक हमारी आईडी में आ जाता है, तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा एक्साइटिंग करता है। और जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मुझे ये इनकम इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मुझे अभी, क्योंकि हम अपना घर बना रहे हैं और हर महीने 6 से लेके 8 लाख की जरूरत पड़ रही है हम उस पे, तो हर थर्सडे को हम लोग खूब जो भी मैचिंग करते हैं तो वेडनेसडे को हमारे मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है, हालांकि वो आने से पहले ही खत्म हो जाता है, लेकिन अभी अभी की जो स्थिति है, बट फिर भी ये एक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मोटिवेशन है आपके लिए। तो काफी सारे लोगों ने मुझे भेज दिया है और डेफिनेटली आप इसको जरूर पूरा कीजिए।
इसके बाद अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला जिसकी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, 5,000 पर्सनल सेल्स वॉल्यूम और 5,000 सेल्स वॉल्यूम बाई न्यू एक्टिवेशन। तो हमारी इस टीम में अगर हम बात करें, हमारी इस टीम में बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने करना शुरू कर दिया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए सक्सेस क्या है, सक्सेस एक आदत है, और सक्सेस के लिए अगर हम बात करें तो सक्सेस के लिए टेस्ट पास करना बहुत जरूरी होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है, हर संगठन का एक कल्चर होता है। जैसे एप्पल का एक कल्चर था स्टे हंग्री स्टे फुलिश, कि आपको भूखे रहना है, आपको अपनी भूख जगाए रखनी है और आपको पागल रहना है हर समय, नई नई चीज नई नई इनोवेटिव चीजों के ऊपर काम करना है। तो वीएलसी वेल साइंस का सक्सेस का सिस्टम क्या है? वीएलसी वेल साइंस का सक्सेस का सिस्टम है कि आप 5,000 पर्सनल सेल्स वॉल्यूम करना सीखें। अगर आपको नहीं आता, आप एक बार दो बार पांच बार 10 बार देवेंद्र जी से पूछिए, विकास जी से पूछिए, मुझसे पूछिए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, हम आपके कस्टमर से बात करने के लिए तैयार हैं। 5,000 पर्सनल सेल्स वॉल्यूम करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपको सक्सेस होने के लिए बहुत ज्यादा लोग चाहिए होंगे। तो 5,000 पर्सनल सेल्स वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं काफी समय से ये कर रहा हूँ, और मैंने देखा कि इससे मेरी इनकम बहुत बढ़ गई है। एक तो क्या है कि 5,000 पर्सनल सेल्स वॉल्यूम, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, तो जो 5,000 पर्सनल सेल्स वॉल्यूम आप अपनी आईडी पे करते हैं तो उसका जीएसटी भी आप कंपनी से वापस ले सकते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर आपने 10,000 रुपए लगाए हैं, तो 10,000 में आपको 1,700 रुपए या 1,000-1,200 रुपए तो वापस आ ही जाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, आप ऑफर के प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपके पास प्रोडक्ट रहते हैं तो वो निकलते हैं। नंबर थ्री, हर महीने आपको एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट, जैसे मैं अगर बात करूं, पिछले महीने मैंने इलेक्ट्रिक कैटल क्वालिफाई की, उसे पिछले महीने ये जो फेशियल किट है एक्वामरीन की, उससे पिछले महीने पावर बैंक, और हर तीसरे महीने के बाद 6,000 रुपए का प्रोडक्ट घर आ जा रहा है। तो आप ये देखिए, 6 और 6 ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 10,000 रुपए, 10-12 हजार रुपए का गिफ्ट और प्रोडक्ट, कंसिस्टेंसी प्लस गिफ्ट। और जो ऑफर्स हैं अगर हम उनकी बात करें, तो 30,000 में मैं ऑफर के प्रोडक्ट पे ऑर्डर करता हूँ, तो 30,000 में ऑलरेडी 40,000 के प्रोडक्ट मिल चुके थे, और ये अलग से हो गया 10,000, तो 50,000। तो ये अगर हम देखें, हालांकि कंपनी ने मुझे बैन किया हुआ कि मैं मिनी स्टॉक नहीं ले सकता, लेकिन जो लोग मिनी स्टॉक ले सकते हैं उनके लिए तो कितना कितने कितना फायदेमंद है, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो 5,000 पर्सनल सेल्स वॉल्यूम देखिए सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, लीडर लीडर का मतलब ये नहीं कि वो घर घर जाके प्रोडक्ट रिटेल करे। मुझे लगता है 5,000 पर्सनल सेल्स वॉल्यूम, अगर हम ईमानदारी से प्रोडक्ट अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 2,500 सेल्स वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमारे घर में यूज आता है, और दो घर अगर हम और ऐड कर लें, 1,250 1,250 एसपी वाले, तो ये 5,000 सेल्स वॉल्यूम हमारे पूरे हो जाएंगे। दूसरा, 5,000 सेल्स वॉल्यूम नए एक्टिवेशन से, नए लोग बहुत जरूरी हैं, नए रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको एक अवसर की तलाश है, जो आपके साथ ज्वाइन करना चाह रहा है, जिसको इस बिजनेस की कदर है, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो मुद्दा ये नहीं है कि आपको एक इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स मिलेगा, मैटर ये भी नहीं करता कि आपको एक लेडीज पर्स मिलेगा, मैटर ये करता है कि उसकी वजह से जब आप लोगों तक पहुंचते हैं, उसकी वजह से जब आप लोगों तक पहुंचते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं एक नए व्यक्ति तक आप पहुंच पाते हैं। तो ये 5,000 सेल्स वॉल्यूम नए एक्टिवेशन से करना बहुत जरूरी है। और ईगल जो फॉर्मूला जिसपे हम लोग बात करते हैं, 5,000 पर्सनल सेल्स वॉल्यूम, 5,000 सेल्स वॉल्यूम नए एक्टिवेशन के साथ, और इसको हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो हमारे साथ इस मीटिंग में कितने लोग ऐसे हैं जो ये कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो ये करते करते हैं, कितने लोग ईगल का जो सिस्टम है वो फॉलो कर पा रहे हैं? हाँ, हमारे ही टीम में अगर हम बात करें, जैसे देवेंद्र जी की टीम में बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, और जैसे अभी हम ज्यादातर लोग राजस्थान के हैं इस मीटिंग में, तो राजस्थान से अभी हम जानते हैं कि एक लेडी है जिन्होंने अभी अभी एमरल्ड डायरेक्टर लेवल हासिल किया है और कार बोनस भी क्वालिफाई किया। तो कार बोनस का मतलब हो गया कि 5 लाख का बिजनेस, 5 लाख से ज्यादा का बिजनेस उन्होंने एक महीने में किया, और कार और एमरल्ड भी बनी है, तो उन्होंने 10 से 15 लाख का बिजनेस किया है। तो वो उनकी टीम में क्या है, मैक्सिमम लोग ईगल है, वो 5,000 पर्सनल सेल्स वॉल्यूम खुद करती हैं, 5,000 सेल्स वॉल्यूम वो अपनी आईडी पे करती हैं, और इसी को वो डुप्लीकेट कर रही हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके पास हजारों लोग हैं, उनके पास कुछ लिमिटेड लोग हैं, लेकिन वो मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में आ रहे हैं। और जैसे हम जानते हैं देवेंद्र राठौड़ जी को, ये अगर पूजा जी को, करण जी को, रामलाल सैनी जी को, तो आप इनको हर मीटिंग में आप इनको पाएंगे।
ये हर मीटिंग्स में आते हैं, हालांकि जैसे हमारे हमारे इस मीटिंग में कुछ लोग ऐसे भी जो बहुत बिजी हैं, व्यस्त हैं, बट फिर भी अगर हम बात करें तो ईगल का जो फॉर्मूला है, चलो आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये किया जा सकता है, मतलब अगर हम ट्राई करें तो ये तो कर सकते हैं, कितने लोगों को लगता है कि यस वो ईगल कर सकते हैं? पूजा जी को लगता है कि यस ईगल कैन बी डन, ईगल तो किया जा सकता है? पूजा जी को, करण जी को, इनके अलावा? क्योंकि अगर देखिए, क्योंकि अगर आप ईगल करते हैं, पीसी मीना जी को लगता है, रामलाल सरन जी को लगता है, देखिए अगर आप ईगल करते हैं तो आपको अपने अलावा केवल और केवल 4 लोग चाहिए, 2 लेफ्ट 2 राइट, आपको केवल 4 लोग चाहिए, 2 लेफ्ट 2 राइट, जब वो ईगल करेंगे 5,000 SV पर्सनल, 5,000 SV की स्पॉन्सरिंग, 10,000, 10,000, 20,000, 20,000, केवल और केवल 5 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ आप जो हमारी RTP हो रही है गुड़गांव में, जो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रही है गुड़गांव में, वो आप हासिल कर सकते हैं। इतना इतना आसान, बहुत आसान है, केवल और केवल 4 लोग, 2 लेफ्ट 2 राइट, 2 लेफ्ट 2 राइट, केवल और केवल 5 लोगों के साथ, 2 लेफ्ट 2 राइट और एक आप खुद, केवल और केवल 4 लोगों के साथ आप डेवलपमेंट बोनस क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर सिस्टम नहीं, अगर लेकिन अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं है, अगर आपके पास 1,000 500 SV करने वाले लोग हैं, तो आप खुद सोचिए आपको 50 लोग लेफ्ट 50 लोग राइट चाहिए होंगे, 100 लोगों को मैनेज करना या 4 लोगों को मैनेज करना, कौन सा आसान है? सौ लोगों को मैनेज करना आसान है या 4 लोगों को मैनेज करना आसान है? महात्मा गांधी जी के पास एक लेडी अपने बच्चे को लेके आई और उसने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरा जो बच्चा है ये गुड़ खाना छोड़ दे। यस, ये गुड़ खाना छोड़ दे। तो महात्मा गांधी ने कहा चलो एक काम करना, आप इसको अगले अगले मंडे को लेके आना, मैं इसको सिखाऊंगा, मैं इसको समझाऊंगा। अगले मंडे को वो लेडी जब लेके आई अपने बच्चे को, तो महात्मा गांधी ने उसके सिर पे हाथ फेरा और उसके कहा कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाने से बहुत ज्यादा, गुड़ खाना सही नहीं, गुड़ अच्छी चीज है लेकिन बहुत ज्यादा खाओगे तो अति किसी भी चीज की बुरी नहीं होती, बुरी होती है। तो लेडी ने कहा कि ये बात तो आप उनको पिछले हफ्ते भी समझा सकते थे, मतलब पिछले हफ्ते भी आप उनको बता सकते थे ये बात। तो गांधी जी ने कहा कि पिछले हफ्ते तक मैं खुद गुड़ खाता था, इसलिए मैं उनको नहीं बता पाया। तो देखो डुप्लीकेशन, अगर महावीर कैंतुरा 5,000 सेल्सोलियम पर्सनल नहीं कर रहे हैं, अगर महावीर कैंतुरा 5,000 सेल्सोलियम की रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को डुप्लीकेट वो नहीं करा पाएंगे। पहला काम ये है कि मुझे ईगल करना है, पहला काम है मुझे ईगल करना है, मुझे 5,000 पर्सनल सेल्सोलियम करने हैं, मुझे 5,000 सेल्सोलियम की रिक्रूटमेंट करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग में 1,001 तरीके से आप बहुत सारे लोग देख सकते हैं, कुछ लोग यूट्यूब में हैं, कुछ लोग किताबें लिख चुके हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेकिन मैं मुझे लगता है कि बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि 5,000 पर्सनल सेल्सोलियम, 5,000 सेल्सोलियम रिक्रूटमेंट के द्वारा। और देखिए कितना आसान है ये, कितना आसान। और जो लोग अगर हम जिंदगी बदलना चाह रहे हैं, तो क्या हम 10,000 सेल्सोलियम करने के लिए तैयार है? आपके और 5 लोग लेफ्ट और 5 लोग राइट, ये जरूरी है कि जैसे आज देवेंद्र राठौर जी ने अपनी पूरी टीम के गोल गोल सेट करा के मुझे भी भेजे, विकास जी को भी भेजे, तो ये उनके लिए हम लोग क्लैप करते हैं कि एक लीडर वही है जो अपनी टीम के गोल सेट करने में उनकी मदद करे। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं बट उनके पास ऐसी अपलाइन नहीं है जो उनकी गोल सेट करा सके, ऐसी अपलाइन नहीं है जो उनकी मेंटोरशिप कर सके। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जो देवेंद्र जी ने एक रोल प्ले किया। तो देखिए ये जरूरी है, 5 लोग मेरे लेफ्ट है, 5 लोग मेरे राइट है, मैं 10 लोगों को एडॉप्ट करता हूँ, उनका इस हफ्ते की मैचिंग का टारगेट क्या है और उनके साथ कॉन्फ्रेंस में कब करा रहा हूँ अपनी अपलाइन की, जो मेरी अपलाइन है, चाहे मेरे जो इमीडिएट मेंटोर हैं, चाहे वो विकास जी हो सकते हैं या मैं हो सकता हूँ, तो पांच उन पांच पांच लोगों से कॉन्फ्रेंस कब करानी है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में कब लेके आना है उनको। तो ये फॉर्मूला बड़ा बड़ा सिंपल है, 5 लोग लेफ्ट 5 लोग राइट। और देखिए ये बहुत जरूरी है कि हम ईगल बने। यस आई एम एन ईगल, आई हैव डन 5,000 PSV एंड 5,000 SV रिक्रूटमेंट दिस मंथ। ये बहुत जरूरी है अपने आप से कहना कि आप अपने आप की फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगाना हर बार कि हाँ मैंने कर दिया, यस मैंने, हाँ मैंने करके दिखाया। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है और आप इसको जरूर करें। और देखिए ये मैजिकल फॉर्मूला है, अगर आप 5 लोग लेफ्ट 5 लोग राइट ऐसा करते हैं आपके, तो 50-50 हज़ार पॉइंट हो जाएंगे, 12-15 हज़ार रुपये आप कमा रहे होंगे।
जब ये 10 लोग ऐसे करेंगे, जब इनके 10 लोग इनको फॉलो करेंगे, जब इनके 5-5 लोग इनको फॉलो करेंगे, तो 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी। 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए आपको केवल 100 लोग चाहिए जो ईगल फॉर्मूले को अपनाएं। और थर्ड फेज में जब आपकी टीम में 1,000 लोग ऐसे होंगे, आपकी 12 से लेके 15 लाख की इनकम होगी। लेकिन 12 से लेके 15 लाख रुपए की इनकम के लिए आपको 50-60 हजार लोग चाहिए होंगे, अगर वो 500 से वाले हैं तो। कोर कोर बहुत जरूरी है, कोर टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 5% जो कम्युनिटी है, जिनके जिनके पास 95% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना है वीएलसी वेल्थ साइंस का, तो ये आपको जरूर देखना है। और पहली बात, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप 5,000 सेल्स वॉल्यूम रिक्रूटमेंट से कर सकते हैं? 10,000 रुपए की ज्वाइनिंग, 10,000 की ज्वाइनिंग कितने लोगों को लगता है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं? 10,000 रुपए की ज्वाइनिंग, 5,000 पर्सनल सेल्स वॉल्यूम की ज्वाइनिंग कितने लोगों को लगता है कि हम कर सकते हैं? देवेंद्र राठौड़ जी को लगता है, यस वेरी गुड। और किसको लगता है? भरत जी को लगता है, डीके जी को लगता है, मोहनलाल सैनी जी को लगता है, पूजा जी को लगता है, रामलाल सैनी जी को लगता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और देखिए ये कैसे होगा, ये बड़ा सिंपल है। 50 लोगों की लिस्ट बनाओ, 50 लोगों की लिस्ट बनाओ, 10 को रोज कॉल करो, 10 को रोज कॉल कीजिए। सुबह का जो 1 से 2 घंटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 से 10, 8 से 10 या 7 से 9, ये बहुत जरूरी है कि आप कॉलिंग करें, 10 लोगों को कॉल करें, कम से कम 10-20 लोगों को जो ऑलरेडी ज्वाइंट है, और 10 नए लोगों को कॉल करें। Day 1 10 प्रोस्पेक्ट कॉल किया, Day 2 10 का फॉलोअप, 10 नए। Day 3 10 का फॉलोअप, 10 नए। Day 4 10 का फॉलोअप, 10 नए। Day 5 10 का फॉलोअप, 10 करने। 50 लोग, 50 लोगों में आप कर लीजिए, मैं कहता हूँ आपको आपको 5,000 पर्सनल सेल्स वॉल्यूम नहीं मिलेगा, आपको 50,000 सेल्स वॉल्यूम मिल जाएगा रिक्रूटमेंट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। तो ये इसको आप देखिए, आई एम एन ईगल, ये ईगल फॉर्मूला है और ये बहुत जरूरी है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये। और 5,000 पर्सनल सेल्स वॉल्यूम हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। घर में देखिए ना, सैनिटाइजर से लेके लॉन्ड्री केयर ऑफर में है, हैंड वॉश, टूथपेस्ट, डिश वॉश, सोप, बॉडी लोशन, फेस वॉश, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये सब तो लगता है घर पे। ग्रीन टी है, कल एक ग्रीन टी और लॉन्च हो रही है, मल्टी मैक्स, और एक विटामिन सी। इसमें मुझे लगता है कि विटामिन सी तो घर में 5-6 यूज आते हैं, मैक्स और एक विमेन हेल्थ इसमें नहीं है, विमेन हेल्थ भी इसमें होना चाहिए, इसमें विमेन हेल्थ भी होना चाहिए, इसमें एक्टिव आईक्यू भी होना चाहिए। तो ऑलरेडी 5,000 पॉइंट तो आपके घर में हो जाएंगे, यस। तो इसमें फेशियल किट भी नहीं है, इसमें शैम्पू भी इसमें एक ही है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब घर में एक ही शैम्पू लगेगा। बट फिर भी आप देखिए, 2,500 पॉइंट तो ऐसे ही हो रहे हैं, और 2 फैमिली और ऐड करनी है। तो आप 5,000 पर्सनल सेल्स वॉल्यूम भी कर सकते हैं, आप 5,000 सेल्स वॉल्यूम की रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं, और ये करना जरूरी है। और जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे काम बढ़ेगा। देखिए पूरे महीने में 5,000 वॉल्यूम करने पे भी हमारा हमारे प्लान में आपको 5-5.5 हजार रुपए आ जाएंगे, क्योंकि जब आप 5,000 सेल्स वॉल्यूम हर महीने करेंगे तो आपको 20% के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, 20% का रिटेल, 20% एक्स्ट्रा। हालांकि ऑफर भी होते हैं, वो नहीं जोड़ रहा हूँ मैं मान रहा हूँ कि ऑफर आपने पास ऑन कर दिए। 4,000 रुपए का रिटेल मार्जिन, 500 रुपए फर्स्ट ऑर्डर, 600 रुपए टीम बोनस, 5,500 रुपए आप कमा सकते हैं केवल 5,000 SV की स्पॉन्सरिंग से। 5,000 SV की स्पॉन्सर मतलब लेफ्ट राइट 5,000 करके, 10,000 6,500, 20,000 8,500 रुपए, 25,000 9,700, 50,000 15,000, 1,25,000, 2,50,000, 90,000। ये मैथमेटिक्स है, आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला लगाना, आपको काम करना पड़ेगा। और काम करना बिना बिना हार्डवर्क के, जैसे अभी ऑफर चल रहे हैं, एक्टिवेशन ऑफर आप सबको पता है कि 1,250, 2,500 और 5,000 SV पे आपको ये 800 लगभग 800 का प्रोडक्ट भी मिल रहा है। और इसके अलावा देखिए, ये हमारा एक इवेंट है जो होना है 17 तारीख को 7 बजे, 17 तारीख को 7 बजे, 90 मिनट का ये इवेंट है, 90 मिनट का इवेंट है, और वंदना लूथरा जी इसमें लाइव होंगी। ये एक बहुत ही बेहतरीन इवेंट होगा, एक प्रोफेशनल टीम है, एक प्रोफेशनल कंपनी है जो ये इवेंट कर रही है हमारे लिए, मतलब ये एक नॉर्मल जूम इवेंट नहीं है,
ये एक प्रोफेशनल इवेंट है जिसको एक प्रोफेशनल्स की एक टीम हमारे लिए कर रही है, तो ये इवेंट बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही मेमोरेबल होने वाला है, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने जो इस मीटिंग में थे और जिन्होंने इसको इसको विन किया है। देखिए, ये है हमारा आरटीपी, मेगा लीडरशिप समिट 2021। आरटीपी क्यों इम्पोर्टेंट है, आरटीपी क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, बेसिकली क्या होता है कि जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं हम लोग, डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, वो पहले वो कभी हमें छोटी छोटी गोलियां देता है, कभी हमें इंजेक्शन देता है, और जब उसे लगता है कि नहीं हालत बहुत खराब है तो हमें एडमिट भी कर लेता है। देखिए, मुझे ये लगता है कि जो मेगा लीडरशिप समिट है, ये अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जिंदगी में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मेरी जो पहली रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम थी, अगर मैं उसको याद करूं तो वो मेरी जो आरटीपी थी, एक समय था जब मेरी इनकम इस बिजनेस में मुश्किल से 600-700 रुपये हुआ करती थी, तो 600-700 रुपये हुआ करती थी। और एक आरफिन खान है, एक बहुत बड़े ट्रेनर है, तो उन्होंने उनको मैं मेरी जो पहली कंपनी थी उन्होंने उनके साथ टाई अप किया कि आप हमारे लिए लीडरशिप विकसित करो। तो दिल्ली में था, दिल्ली में उन्होंने एक एक वन नाइट उन्होंने एक 2 दिन का एक ऑडिटोरियम बुक किया हुआ था। आना जाने का किराया हमारा खुद का था, रहने का हमारा खुद का था, और उसकी कॉस्ट थी 2,000 रुपये पर डे। और 2,000 रुपये की कॉस्ट, और उस समय मेरी पूरे महीने की इनकम 700 रुपये हुआ करती थी, और मैं फुल फ्लेजर्ड था। जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं कॉलेज पढ़ाने के बाद जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग का फैसला किया तो मेरी पूरी फैमिली मुझसे बिल्कुल नाराज हो गई। उन्होंने कहा, नहीं, तुमने हमारे सारे सपनों को तोड़ दिया, तुम प्रोफेसर बन सकते थे और कुछ और भी बन सकते थे, बट तुम क्या ये साबुन तेल बेचने लग गए हो, तो हम तुम्हें कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम्हें कोचिंग करनी है हम पैसे देने को तैयार है, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हमसे कुछ मत लेना। मुझे याद है कि मैं रिटेलिंग करके अपने खर्चे चलाया करता था, और मेरे लिए बहुत मुश्किल था 2,000 रुपये प्लस वहां पे रहना खाना, मतलब 5-6 हज़ार रुपये अरेंज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस समय में। मेरी कोई और इनकम भी नहीं थी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि मैं इतना पैदल चला हूँ 2004-5 में कि जो लोग उत्तराखंड को जानते हैं, मुझे मतलब मैं कई किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पैदल चलता था। और मैक्सिमम टाइम जो मेरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, जिससे मैं ट्रेवल करना चाहता था, वो था ट्रक, क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा था उस समय, क्योंकि समय ट्रक में बैठ के आप कॉलिंग तो कर ही सकते हो, और ट्रक वाला जो है बेसिकली 35-40 किलोमीटर के केवल 5 रुपये लेता था, बस वाला 20 रुपये लेता था। और ट्रक के इंतजार में मैं बहुत देर तक सड़क के किनारे खड़ा खड़ा रहता था, मुझे याद है आज भी। तो पैसे की जो स्थिति थी वो बहुत बहुत ज्यादा खराब थी। फैमिली वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, वो चाहते थे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्विट कर लूं। इनफैक्ट कई बार मेरे पर्स में पैसे भी होते थे तो मेरी माँ निकाल के उन्हें छुपा देती थी कि बस इसको पैसे देने नहीं है, बस ये कैसे भी करके ये क्विट करे नेटवर्क मार्केटिंग को। तो पहली आरटीपी थी, और मुझे याद है कि उस आरटीपी में जब मैं गया तो जिंदगी बदल गई, मतलब सोचने का स्तर बदल गया, और मुझे लगा मैं कितना कमजोर था, और मुझे लगा कि शायद मैं इस आरटीपी में अगर ना आता तो मैं जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाता। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत नहीं कर रहा था, मैं मेहनत कर रहा था। मैं 14 महीने हो चुके थे मुझे, मतलब हर महीने में टारगेट सेट करता था कि मुझे मैनेजर जाना है। मैनेजर के लिए आपको 2.5 लाख की सेल करनी होती थी 1 महीने में, मैं नहीं कर पा रहा था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीने, मतलब। और अंदर से लोग बोलते थे, यार तुम्हारा नहीं हो पा रहा, तुम हमारी अपलाइन हो, तुम हर महीने बोलते हो मुझे मैनेजर जाना है, तुम खुद नहीं कर पा रहे 9 महीने में, हम हमारा कैसे होगा। 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, 13 महीने, मेरी बहुत सारी डाउनलाइंस ने मुझे छोड़ दिया। मेरी बहुत सारी डाउनलाइंस कहती थी कि हमारी जो अपलायंस है उनकी तो चप्पलें घिस गई है, वो तो मैनेजर कर नहीं पा रहे, हम कैसे करेंगे। तो ये मतलब ये सिचुएशन थी। और लोगों ने फिर मुझे खड़े होके बोलना शुरू कर दिया कि सर जब आप ही नहीं कर पा रहे तो हम कैसे करेंगे। कई बार क्या होता है कि बदलाव बहुत जरूरी होता है, नई चीजें, नई लर्निंग बहुत जरूरी होती है, थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी होता है। और कहीं ना कहीं मैंने देखा कि मैं प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा पारंगत हो गया था, प्रोडक्ट के ऊपर, प्लान के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर, लेकिन जो ट्रेनिंग थी मिलीनियर ब्लूप्रिंट, एक मिलीनियर जो होता है उसका ब्लूप्रिंट क्या होता है, एक जो करोड़पति है, जो आदमी बनता है उसका ब्लूप्रिंट क्या होता है, उसकी सोच क्या होती है, वो कहाँ पे पैसे खर्च करना चाहता है। तो वो जो इवेंट था, वो इवेंट बहुत जबरदस्त था, और मेरी पहली रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम थी। उसके बाद एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरी मसूरी में हुआ, मसूरी में जो 1 नाइट 2 डेज का प्रोग्राम था, अगेन मुझे फिर से वो 2,000 रुपये खर्च करने थे वहां पे। और मतलब इस बात का नहीं कि मैंने वो पैसे कैसे अरेंज किए, मैं कैसे करता था,
प्रोडक्ट को डिटेल करके कुछ ना कुछ करके बट पहुंचता था। तो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग, मैं कब इस बिजनेस के लिए, मतलब मैं इस बिजनेस के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया। मेरी वाइफ थी बहुत, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, और वो कभी नहीं चाहती थी कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग दोबारा से करें। उन्हें लगता था कि क्योंकि मैं, जब मैंने वो कंपनी क्विट की, एक एक्सीडेंट मेरा हुआ और मुझे वो नेटवर्क मार्केटिंग क्विट करनी पड़ी, तो मैंने फिर ट्रेडिशनल बिजनेस करने शुरू किए। मैंने एक फर्म बनाई लीड योर लाइफ के नाम से, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनीज थी बहुत सारी, म्यूचुअल फंड थे और बॉन्ड्स वगैरह थे, टाटा AIG का काम हम लोग, बहुत सारे काम हम लोग करते थे। तो दोबारा जब मेरी जिंदगी में, दोबारा जब मेरी, मैंने वेल्थ साइंस को देखा, तो मैंने अपनी मदर के लिए कुछ प्रोडक्ट लिए, मेरी मदर को बहुत फायदा हुआ, बट मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताया। और जब उन्हें मालूम चला तो बहुत नाराज हुई कि तुमने फिर से वही नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर दी, क्योंकि वो मेरी ऑनलाइन में हुआ करती थी पहली कंपनी में, और उन्होंने बहुत मेहनत की थी बट हम कहीं पहुंचे नहीं थे उस कंपनी में। तो फाइनली फाइनली हम लोग वापस आते हैं। तो जब मैं उनको लेके गया, पहली RTP, पहला रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम था हमारा कॉम्पिटेंट पैलेस देहरादून में, और उस RTP के बाद मेरी वाइफ ने कहा नहीं मुझे भी करना है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब हस्बैंड वाइफ मिल जाते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। पहले क्या था, मैं अकेले काम कर पा रहा था, जब मैं घर घर आता था तो वो शाम को उन्हें उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती थी मेरे लिए उठने में, हमारे झगड़े भी हो जाते थे कई बार। लेकिन जब हस्बैंड और वाइफ के गोल्स एक हो जाते हैं तो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम से आपको एक विजन मिलती है। ये सारा का सारा बिजनेस है विजन का, विजन का बिजनेस है, सोच का बिजनेस है। अदरवाइज आप देखिए, आप ही देखिए, एक व्यक्ति वो है, बिल गेट्स को देखिए आप, थॉट प्रोसेस तो है। बिल गेट्स इंडिया की GDP से ज्यादा चैरिटी कर चुका है। एक व्यक्ति, क्योंकि उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी किताबें पढ़ी। लोग बोलते हैं कि वो फेल था, बट उसने इतनी सारी किताबें पढ़ी, इतनी सारी किताबें पढ़ी, और कि वो व्यक्ति इंडिया की जो पूरी GDP है उससे ज्यादा चैरिटी कर चुका है। तो सारा थॉट प्रोसेस आता है RTP से। रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको जिंदगी में कभी मिस नहीं करने चाहिए। मुझे याद है जब मेरी पहली फॉरेन ट्रिप थी, एक सीट के लिए मेरी अपलाइन ने मुझे कंसिडर नहीं किया। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतनी पैम्परिंग, इतना सब कुछ मैं देखता हूँ आज, इतनी पैम्परिंग हम लोग करते हैं लोगों की कि भाई इतनी, मतलब आ जाओ ये आ जाओ, गोल सेटिंग हम उनकी कर रहे हैं, सब कुछ हम उनकी कर रहे हैं। बट मैंने ये देखा कि जो जो लीडर होते हैं वो जो लीडर जब तैयार होता है, वो लीडर हमेशा मुश्किल परिस्थिति में तैयार होता है, कठिन परिस्थिति में तैयार होता है। पैम्परिंग से लीडर कभी तैयार नहीं होता। बट फॉर्चुनेटली अगर आपके पास देवेंद्र राठौर जी जैसे अपलाइन है, अगर आपके पास विकास स्वर्णकार जी जैसे अपलाइन है, तो हमारी सक्सेस बड़ी होनी चाहिए। ऑनरशिप बहुत जरूरी है, ऑनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किताब पढ़ रहा था, एक्सट्रीम ऑनरशिप, जो नेवी ऑफिसर्स ने लिखी है जो इराक में तैनात थे अमेरिका के, तो उनकी बड़ी अच्छी किताब है कि वो कहते हैं रूल नंबर वन कि केवल और केवल महावीर कैंतुरा, केवल और केवल भारत सोनी जी, या केवल और केवल हिमानी दास जी रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी सक्सेस के लिए। आज के बाद कोई कंप्लेन, कोई किसी से कोई कंप्लेन नहीं, ये मेरा बिजनेस है और मुझे करना है। तो मतलब पहला रूल उनका ये है कि आप किसी को कंप्लेन नहीं करोगे। सेकंड उनका एक रूल है कि देर आर नो बैड टीम्स, ओनली बैड लीडर्स। वही कहते हैं दुनिया दुनिया में कोई बुरी टीम नहीं है, केवल और केवल लीडर है जो बुरा है। मतलब अगर मैं एक लीडर हूं, अगर मैंने ये ठान लिया कि मुझे ये हासिल करना है, नंबर वन, अगर मैंने ये ठान लिया कि मुझे ये मेगा लीडरशिप समिट में जाना है, नंबर वन। नंबर टू, देर आर नो बैड टीम्स, कोई भी बैड टीम नहीं है। अगर मैं जाऊंगा तो मैं गुड लीडर हूं, नहीं जाता तो मैं एक बैड लीडर हूं। देर आर नो बैड टीम्स, ओनली बैड लीडर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनरशिप बहुत जरूरी है। और जो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, एक 5-स्टार होटल में, देखिए मैं बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और आप समझ सकते हैं जब मैं MSc करने के बाद भी मैं इतना पैदल चला और मैं इतने पैसे बचाता था, तो आप समझ सकते हैं कि मैं मतलब, और हालांकि मैं उससे पहले भी, अगर हम उससे बैकग्राउंड में जाएं, उससे भी फ्लैशबैक में जाएं, तो मुझे याद है जब मैं 5th क्लास में था तो मेरी पूरे साल भर की फीस वही 7 रुपए के आसपास थी। हम लोग नॉर्मली प्राइमरी स्कूल, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, वहीं पे पढ़े हुए हैं, इंटर कॉलेज वगैरह ऐसे ही हम लोग पढ़े। तो बट कभी भी अगर 5 स्टार तो बहुत दूर की बात है, 3-स्टार होटल में घुसने की भी हिम्मत नहीं होती थी, है ना। जब कभी और कभी चले भी गए तो मतलब पहले हम ये नहीं देखते थे कि खरीदना क्या है, कितने का है वो देखते थे। तो
ये कॉन्फिडेंस इस बिजनेस ने दिया कि आज हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि कितने का है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप एक फाइव स्टार होटल में इन करते हैं, जब आप एक फाइव स्टार होटल में इन करते हैं, और अभी जैसे दो होटल्स हैं हयात के, एक का वीडियो मैंने आपको भेजा और एक और है, उसके रूम्स बहुत अच्छे हैं, तो अभी उन दोनों में से कौन सा होटल होगा वो कंपनी आपको बहुत जल्दी अनाउंस कर देगी। तो मैं थोड़ा जल्दी में था तो मैंने एक एक होटल का बना के भेज दिया आपको। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक फाइव स्टार होटल के अंदर जैसे ही आप इन करते हैं, उस रूम के अंदर जब आप उसमें रहते हैं, जब आप उसमें एक रात, वन नाइट, 2 डेज रहते हैं, जब आप देखते हैं, जब तो एक एक वो आपके ड्रीम बिल्ड हो रहे होते हैं। एक तो हो गया कि ये बोलना कि मैं एक तो हो गया कि ये बोलना कि मैं सपने नहीं देखता, मुझे घूमने का शौक नहीं है। यस, तो जैसे पहले मुझे भी बिल्कुल भी घूमने का शौक नहीं था। मुझे मतलब घर वाले कहते थे यहाँ जा यहाँ जा, मैं कहता था मुझे घूमने का बिल्कुल शौक नहीं है, मुझे किताबें दे दो, मुझे क्रिकेट खेलने दो। लेकिन जब मेरी पहली ट्रिप हुई, जब मेरी पहली फॉरेन ट्रिप्स हुई, जब मैं पहली बार फाइव स्टार में रहा, तो जिंदगी में देखिए बेसिकली क्या है कि जैसे एक बड़ा अच्छा शेर था कि कभी 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 मैं सोचता हूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये लग्जरी कार है, ये बढ़िया सा घर, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये लग्जरी कार है, ये बढ़िया सा घर, ये बैंक बैलेंस, ये शोहरत, मैं सब त्याग दूँ। यस, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि पहले मैं इनको पा तो लूँ। तो पाना बहुत जरूरी है, पाके छोड़ना अलग बात है, बट बिना पाए छोड़ना तो ये तो नहीं हो सकता। तो पहली बात ये है कि ये जो फाइव स्टार होटल्स की जो ये रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप इसको जरूर फील कीजिए। कंपनी इसमें 6-7 हज़ार रुपये खर्च कर रही है, 6 to 7,000 रुपीज कंपनी खर्च कर रही है। कंपनी चाहती तो एक 3 हज़ार रुपये के होटल में, मतलब एक एक 3 स्टार होटल में करती इसको, आपको 1,000 रुपये और दे देती आने जाने के लिए। लेकिन नहीं, कंपनी ने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम आपसे 1,500 रुपये आपसे पे करेंगे, लेकिन हम खुद इसमें 5-5.5 हज़ार रुपये पर पर्सन खर्च करेंगे। और आप सोच सकते हैं 25,000 वॉल्यूम पे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 20% मैचिंग कंपनी ने इसमें इन्वेस्ट की है। और आप जब जब आप इस ट्रेनिंग में आएंगे, जब आप इस 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप ट्रेनिंग में आएंगे, आपकी जो विजन क्रिएट होगी, देखिए शेर के मुंह में खून लगना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स होंगी, जो मतलब ट्रेनिंग्स की तो कोई कॉस्ट नहीं हो सकती है ना, मतलब जिंदगी बदलने वाली जो एजुकेशन है डायरेक्ट सेलिंग में, मैं इतने बड़े बड़े मिलियनेयर्स को सुनता हूँ, और आजकल मुझे ट्रेनिंग बनानी होती है बहुत सारी। तो ट्रेनिंग बनाने बनाते समय मुझे, मैं हर ट्रेनिंग बनाने से पहले 2 से लेकर 3 नई किताबें पढ़ता हूँ। तो हर किताब, हर जितने भी बड़े बड़े ऑथर हैं, वो यही उनका उनसे अगर आप मिलेंगे, उनको अगर आप सुनेंगे, तो वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि जिंदगी में कभी ना कभी वो चाहेंगे कि उनके बच्चे मल्टी लेवल मार्केटिंग करें, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली एजुकेशन मल्टी लेवल मार्केटिंग में मिलती है। और तो जिंदगी बदलने वाली जो एजुकेशन है वो नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है। और मैं चाहता हूँ कि आप ये जो 2021 की जो ये पहली मेगा लीडरशिप समिट है, इसको आप जरूर जरूर क्वालिफाई करें। आप में से कुछ लोगों ने वंदना लूथरा मैम वाले इवेंट को क्वालिफाई किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जरूर 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 क्वालिफाई करें मेगा लीडरशिप समिट को। ये आपकी जिंदगी बदल देगा, और इसको क्वालिफाई करते ही आप एक बहुत अच्छी इनकम भी कर लेंगे। चलो, आप में से कितने लोग मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग अपनी डाउनलाइन के साथ ये क्वालिफाई करना चाहेंगे? कितने लोग होंगे आपके साथ, लेफ्ट में और राइट में? क्या वो दो दो होंगे, क्या वो पांच पांच होंगे, क्या वो दस दस होंगे? 1,500 रुपए की शेयरिंग, 1,500 रुपए की शेयरिंग, और मतलब एक जिंदगी बदलने वाला एक्सपीरियंस, एक जिंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन। और वहां पे आप विकास जी से फेस टू फेस मिल पाएंगे। अभी तक विकास जी को आपने आपने अभी तक जूम मीटिंग में ही सुना है। आप विकास जी से फेस टू फेस मिल पाएंगे, आप मुझसे मिल पाएंगे, आप अमिताभ वालिया जी से मिल पाएंगे, आप लता जुगरान जी से मिल पाएंगे, आप लजिंदर बाबा जी से मिल पाएंगे, और हो सकता है वंदना लूथरा मैम को भी हम वहाँ पे इनवाइट करें। तो ये इतना बड़ा मौका है, ये इतना जबरदस्त मौका है। और देखिए, एक ईगल के बच्चों को अगर हम चूजों में डाल देंगे, अगर हम मुर्गी के चूजों में डाल देंगे, तो वो बेचारा कभी भी है, वो ईगल का बच्चा है, उसके विंग्स हैं, लेकिन वो कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं करेगा। वो अपनी पूरी जिंदगी एक मुर्गी के चूजे की तरह गुजार लेगा। वो जब भी उड़ने की कोशिश करेगा, उसके आसपास के बोलेंगे रहने दो रहने दो, हम मुर्गी के बच्चे हम नहीं उड़ सकते, हम मुर्गी के बच्चे हम नहीं उड़ सकते, हम ऊंचे उड़ेंगे तो हो सकता है हम मर जाएंगे। एक चूजे को, एक मुर्गी के चूजों को आप ईगल्स के बीच में डाल दो,
उसका थॉट प्रोसेस, उस वो अपना कितना बेस्ट कर पाएगा। तो ये जो इवेंट है, ये इवेंट हर हाल में आपको क्वालिफाई करना है, और ये क्वालिफाई ये नहीं करना कि आप 30 को करें, चैलेंज लीजिए कि हम 15 को करेंगे। आप ये चैलेंज लीजिए कि हम 15 तारीख तक ये क्वालिफाई करेंगे, 15 तक, 25-25 हज़ार तो करने हैं। मतलब आप एक चीज देखिए, जैसे जिस दिन कंपनी ने अनाउंस किया, देवेंद्र राठौड़ जी ने उसी दिन क्वालिफाई कर लिया। देवेंद्र राठौड़ जी ने, या रामलाल सैनी जी ने, या विकास जी के तो खैर ऑलरेडी काफी सारे, या हिमानी मैम ने, हिमानी मैम ने ऑलरेडी उसी दिन ये क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि ये लोग तो इतना बिजनेस ऑलरेडी कर ही रहे हैं। इतना सिंपल क्राइटेरिया, 25 हज़ार वॉल्यूम, 50-50 हज़ार का बिजनेस मैच करना है केवल, और आपके पास मौका है, और ये कुछ भी नहीं है। 25-25 हज़ार वॉल्यूम, आपके दो लेफ्ट दो राइट, दो ईगल लेफ्ट दो ईगल राइट, केवल और केवल। अगर आप चाहते हैं अपने अपनी वाइफ को साथ लेके जाना, अगर वो वर्किंग में है, तो दो बिजनेस सेंटर पे आप कर सकते हैं, दो बिजनेस सेंटर पे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये भी एक मौका है इसके अंदर। तो इस तरीके से आप इसको इसको फोकस कीजिए, और मैं आपको इतना बताऊंगा, मैंने उदीना नेगी जी, जो एक हमारी बहुत अच्छी लीडर है, उदीना नेगी जी को हमने देखा है कि वो कैसे साइकिल में आती थी, और मतलब कितनी कितनी ज्यादा, मतलब कोई भी नहीं सोच सकता था कि वो मैम इतना कुछ करेंगी। बट उन्होंने आरटीपी टू आरटीपी, आरटीपी टू आरटीपी, आरटीपी टू आरटीपी, आरटीपी टू आरटीपी, संगीता भंडारी जी को देख लीजिए, रुपेश जी को देख लीजिए, पराग बाली जी को देख लीजिए। जब पहली इवेंट था हमारा, पराग बाली जी, उसमें उसमें हमने उनको एज अ प्लेटिनम रिकग्नाइज कराया था। विकास स्वर्णकार जी को देख लीजिए, जितनी भी हमारी आरटीपी होती है दिल्ली में, विकास जी के साथ हमने ईस्ट में भी आरटीपी प्लान की थी, हमने वहां पे किया। तो जितने बड़े लीडर्स हैं, जितने भी बड़े लीडर्स हैं, वो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम मिस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है ये जिंदगी बदलने वाली प्रोग्राम होता है। और हम देखिए, नॉर्मली अगर हम इस तरह की आरटीपी हम करें, तो हम आपसे 7 हज़ार रुपये चार्ज करेंगे, और 7 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये पे करना, हालांकि कर सकते हैं हम पे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। अभी डेवलपमेंट बोनस क्वालिफाई करना है केवल 1250 पर्सनल सेल्स वॉल्यूम आप करते ही हैं, दो ज्वाइनिंग 1250 SV की, वो वैसी हो जाएंगी अगर आप 25-25 करेंगे तो, और 5 हज़ार सेल्स वॉल्यूम। तो ये एक मौका है आपके पास, जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए एक एक ऑप्शन और है कि वो 2500 पर्सनल सेल्स वॉल्यूम करें, और 25 हज़ार सेल्स वॉल्यूम स्पॉन्सरिंग से कर लें। तो ये भी एक आसान तरीका है। तो ये आप ऐसे कर, दो दो ईगल नहीं है, तो आप खुद जिम्मेदारी लीजिए। जैसे हमारे साथ ऑलरेडी लीडर हैं जिन्होंने ट्रैवल बैग क्वालिफाई किया था 25 हज़ार वॉल्यूम स्पॉन्सरिंग करके, यहाँ पे आपको वो आरटीपी मिल सकती है। देखिए इसको मिस नहीं करना। और हमारे साथ देख, इस मीटिंग में मैं देख रहा हूँ कि इस मीटिंग में हमारे साथ कुछ देर पहले हमारे साथ उत्तम जी थे, हमारे साथ इस मीटिंग में, अभी वो नहीं है। उत्तम जी से आप पूछ सकते हैं, देवेंद्र जी से आप पूछ सकते हैं, ये लोग हमारे साथ हमारे साथ जब हमारी ट्रिप थी गोवा की, ये लोग वहां पे थे। मतलब वो जो फील था 5 स्टार का, वो आप देखिए, ड्रीम के बारे में बात करना और ड्रीम को जीना दो अलग अलग चीजें हैं। यस, जब हमने सोचा था कि हम अपना घर बनाएंगे, और हमने एक घर बनाया, और जब हम ये वाला घर बना रहे हैं, तो जब हम घर बना रहे हैं, तो ये जो ये आप फील नहीं कर सकते जब आप सपनों को जीते हैं, उसकी बात ही अलग है। तो जैसे यहाँ पे किसी, यहाँ पे हमारे साथ कुछ लीडर ने लिखा है 10-10। अगर आप ये फोकस कर लें कि 10 लोग लेफ्ट 10 लोग राइट, 20 लोगों को लेके जाना है, आप एक चीज देखिए, 10 लोग का 10 लाख, 20 लाख की सेल, आपका पे आउट 2 लाख रुपए होगा। 2 से लेके 2.5 लाख रुपए का पे आउट आप कमा सकते हैं इस महीने, अगर आप 10 लोगों को लेफ्ट 10 लोगों को राइट डेवलपमेंट बोनस करने का प्लान कर लें। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम की, ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप अपना सबसे बड़ा पे आउट ले सकते हैं इस महीने। 5-5 लोगों को भी क्वालिफाई किया तो 10 लाख की सेल होगी, 1.5 लाख, 10 लाख की सेल होगी, 5 लाख वॉल्यूम, 5 लाख वॉल्यूम यानी हाउस बोनस हो जाएगा आपका। 5 लोगों में ही आपका हाउस बोनस हो सकता है। तो मुझे बस यही कहना है कि जो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और मुझे पता है कि इसके लिए कितनी मेहनत लगी है कंपनी कंपनी लेवल पे, और क्योंकि क्योंकि देखिए ये जो फंड है, अगर हम बात करें, अगर 100 लोग भी हैं पूरे पूरे इंडिया में, अगर 250 लोगों की आरटीपी होती है, तो आप समझ सकते हैं कि 12-12.5 लाख रुपए कंपनी के भी खर्च होंगे। और हम सबके पास मौका है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपकी टीम में जो इतना बड़ा ना सोच पाए। कुछ लोग होते हैं जो सब ड्रीमर होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो टूरिस्ट की तरह बिजनेस करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स में भी सेटिस्फाइड हो सकते हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जिनको अभी जिनकी जिनकी विजन इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि देखिए एक 256 256 MB की जो मेमोरी कार्ड है, उसमें अगर आप 2 GB की पिक्चर डालेंगे तो हैंग हो जाएगी। तो कुछ लोग आपकी टीम में ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर्स हैं केवल आपके, उनको आप बोलिए कि वो ये करके अगर 2 रिक्रूटमेंट कर लें वो, और 1250 SP और 5000 SP कर लें, तो उनको भी एक उनके लिए भी कंपनी ने 1000 रुपये का ये रखा है, 5000 पर्सनल सेल्स वॉल्यूम पे ये रखा हुआ है। देखिए इतनी बढ़िया कंपनी आपको नहीं मिलेगी जो एक सिस्टम को ड्राइव करने के लिए खर्च भी कर रही है। 5000 सेल्स वॉल्यूम पर्सनल करने हैं, फ्री गिफ्ट मिल रहा है। 5000 सेल्स वॉल्यूम की स्पॉन्सरिंग करनी है, फ्री गिफ्ट मिल रहा है। कल्चर देखिए, सक्सेस के यही फंडामेंटल्स हैं, और हर कंपनी का एक कल्चर होता है। उस कल्चर को अगर हम समझ लें, शतरंज के गेम में, शतरंज के खेल में फुटबॉल के नियम लगाने नहीं चाहिए। अगर फुटबॉल खेल रहे हैं फुटबॉल के नियम लगाइए, चेस खेल रहे हैं चेस के नियम लगाइए। तो अगर मैं महावीर कैंतुरा अगर मैं देखूं, तो मैंने अपने अपने इनकम को बहुत तेजी से बढ़ाया है ड्यूरिंग लॉकडाउन, और वो सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि ये 5000 पर्सनल सेल्स वॉल्यूम मैं खुद करता हूँ। मैं 5000 सेल्स वॉल्यूम की रिक्रूटमेंट हर महीने करता हूँ, और बहुत सारे लोग आज मुझे डुप्लीकेट कर रहे हैं, और उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है। और तो मैं यही कहूंगा आपसे कि इन इन चीजों पे आप फोकस करें। और अगेन कुछ ऑफर्स हैं, कुछ ऑफर्स हैं हमारे पास जिनको मैं चाहूंगा कि विकास जी आपसे शेयर कर सकते हैं और शेयर करें। और तो मुझे बस यही कहना है कि इस बार इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। और कंपनी कंपनी चाहती तो ये जो RTP है ये 50,000 पे कर सकती थी, या 1.25 लाख पे कर सकती थी, है ना, 1.25 लाख सेल्स वॉल्यूम पे करती, और तो और इस पे 1500 की शेयरिंग ना लेती। लेकिन कितने लोग क्वालिफाई कर पाते, तो ये बहुत आसान है। और जिस दिन ये कंपनी ने अनाउंस किया, उसी दिन ऐसे 70-80 लोग थे जो उसी दिन क्वालिफाई हो गए, अगर मैं अपनी टीम की बात करूं, क्योंकि वो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा आपसे, जो लोग बिल्कुल नए हैं, 25,000 सेल्स वॉल्यूम स्पॉन्सर करना बहुत ही आसान है। 50 लोगों की लिस्ट, 10 कॉल डेली, और जो लोग थोड़ा पुराने हैं, दो 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 ईगल तो बनाइए, खुद ईगल बनिए, दो दो को ईगल बनाइए। यस, तो बैक टू विकास जी, थैंक यू वेरी मच आप सभी का, आपने आपने मुझे इतनी देर तक हमने आप इस मीटिंग में एक्टिवली रहे। तो विकास जी, ओके, थैंक यू सर। और महावीर जी ने RTP क्यों आना चाहिए और RTP क्यों क्वालिफाई करना चाहिए उसके बारे में महावीर जी ने बहुत ज्यादा डिटेल में बातचीत करी। और माय डियर फ्रेंड, RTP एक बहुत ही शानदार इवेंट होने वाला है। तो सिंपल है, RTP में आपको 5 लोगों को रिक्रूट करना है 5-5 हजार सेल्स वॉल्यूम से, और आप RTP के अंदर, और आप अगर अपने लेफ्ट में 5 लोग और राइट में 5 लोग टीम से कराते हैं तो अगेन आपकी एक सीट क्वालिफाई कर जाएगी। ठीक है, तो ये RTP बहुत ही बढ़िया शानदार ऑफर है। और उसके RTP के तक के लिए अभी हमारे पास में 17 तारीख का इवेंट है, वीक में 5 BUM ऑलरेडी हो रही है, वो 5 BUM है, प्लस फिजिकली हम जितना मेहनत कर सकते हैं वो सारी हमारी पर्सनल एफर्ट है। इसके साथ अभी जो ऑफर्स चल रहे हैं, ऑफर है आपका 20% प्लस 10 और 15, 10-15% और, ये 3 प्रोडक्ट के ऊपर 35% तक का डिस्काउंट है, बॉडी लोशन, गैस्ट्रो केयर और लिक्विड डिटर्जेंट। इसके साथ में और भी कई सारे ऑफर्स हैं। और कल हमारा एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, ग्रीन टी स्लिमिंग, क्योंकि VLCC को लोग वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट वाली कंपनी के नाम से जानते हैं। तो आप अपने मैक्सिमम लोगों को उससे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि हमारे पास अब स्लिमिंग का, वैसे भी हमारे पास पहले भी स्लिमिंग का ग्रीन टी था जो कि बहुत ही बढ़िया हमारा प्रोडक्ट था और बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट था, लोग बहुत पसंद करते थे उसको। तो अभी भी हमारे साथ एक और प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है कल, तो कल अपने टीम के मैक्सिमम लोगों को बुलाइए। और आप सभी को पता है कि लॉन्चिंग के दिन कंपनी जो ऑफर देती है वो ऑफर कभी भी रिपीट नहीं होता, राइट? तो कल एक बहुत ही बढ़िया ऑफर के साथ में कंपनी ये प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी। तो अभी कई सारे ऑफर्स हैं, जैसे ऑफर है 5000 PSB का, 5000 PSB से 2 रिक्रूटमेंट करने का, और साथ में 5000 PSB के द्वारा 4 रिक्रूटमेंट, टोटल 25,000 सेल्स वॉल्यूम करके RTP में आना।
ये अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। एक कहावत है, एक अच्छी शुरुआत आधी कामयाबी होती है माय डियर फ्रेंड। अगर आप इस बिजनेस में 2021 को एक शानदार और ऐतिहासिक साल बनाना चाहते हैं तो आज फोकस हो जाइए कि मुझे इस जनवरी में आरटीपी क्वालिफाई ही नहीं करनी, साथ में अपने टीम के कई लोगों को क्वालिफाई भी कराना है, मतलब खुद भी करना है, लोगों को भी कराना है। और अगर आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करके, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के अगर इस मंथ आरटीपी कर ली तो आपका क्या होगा। कहावत है कि अभी एक बहुत ही शानदार स्पीकर है मिस्टर विवेक बिंद्रा, वो अक्सर कहते हैं कि 90 डेज आपका 90 दिनों को सुधार सकता है। तो ये महीना आपके अगले 3 महीने को और ये 3 महीना आपके पूरे साल को बेहतर कर सकता है। अभी हमारा एक और इवेंट होने वाला है सीईओ विद सी सेलिब्रेशन विद सीईओ संडे 10 तारीख को बाबा सर के साथ, तो आप उसमें भी अपनी टीम को इनवाइट कर सकते हैं, पूरी टीम को। और माय डियर फ्रेंड बैक टू, अभी हमारे साथ देवेंद्र जी हैं और कई सारे लोग हैं, और चूंकि हमारी भी मीटिंग 60 मिनट की मीटिंग होती है तो हमारा 60 मिनट ऑलरेडी ओवर हो चुका है, लेकिन हमारे साथ देवेंद्र जी हैं तो मैं चाहूंगा कि हम लोग देवेंद्र जी के पास चले, अगर कुछ चीजें मिस हो गई हो तो वो देवेंद्र जी उसको एड ऑन करें और फाइनली इस मीटिंग को ओवर करें। एवरी फ्राइडे हम लोग मिलते हैं जूम पर आपके इस कमिटमेंट के लिए। मैं विकास स्वर्णकार आप सभी लोगों को एक क्लैप करता हूँ आपकी इसके लिए कि आप कमिटेड है हमारे साथ। लेकिन जैसा कि पिछले वीक हम लोगों ने बात किया था, बड़े गोल्स बनाने से नहीं होता, बड़े गोल्स को पाने के लिए एक्टिविटी करना होता है। तो हम लोगों ने बात करी थी छोटी छोटी बीयूएम करने की, और हम मेरी आज भी देवेंद्र जी से जो बातचीत हो रही थी, तो आप छोटी छोटी बीयूएम जरूर ऑर्गेनाइज करें क्योंकि वो बीयूएम आपका पर्सनलाइज बीयूएम आपके बिजनेस को अगले लेवल पे लेके जाएगा, राइट। और 25,000 सेल्स वॉल्यूम करने से डेवलपमेंट बोनस तो क्वालिफाई होता ही होता है, 25,000 सेल्स वॉल्यूम की मैचिंग करने से, साथ में आप सेकंड जनरेशन काउंसिल का हिस्सा भी बनते हैं और लीडरशिप के आप बहुत ही एक पहले पायदान पे रहते हैं, राइट। तो अभी हम लोग चलेंगे बैक टू देवेंद्र जी, और देवेंद्र जी हमारे साथ हैं तो काइंडली आप इस मीटिंग में जो चीजें मिस हो रही हो, जो मैसेज मिस हो रहा हो, उसको एड ऑन कर करके मीटिंग को फाइनली ओवर करें। तो देवेंद्र जी आप हैं हमारे पे साथ? तो देवेंद्र जी हमारे साथ कोई नेटवर्क चैलेंज की वजह से या कोई टेक्निकल चैलेंज की वजह से हमारे साथ कनेक्ट अभी नहीं हो पा रहे हैं। तो सभी लीडर्स को मुझे लगता है कि और कुछ भी बताने को बचा नहीं। कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी है, जो सिस्टम का हिस्सा है उसको मानना और अपनाना और टीम में फ्लो करना बहुत जरूरी है। 3 बजे की ट्रेनिंग, 5 बजे की मीटिंग और वेनसडे एंड संडे रात के 9 बजे की बीओएम, राइट। तो ये आप अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करें, जिन नए लोगों को आप बिजनेस में लेके आते हैं उनको 3 बजे की एक बार मीटिंग ट्रेनिंग जरूर अटेंड कराएं। मंडे, फ्राइडे एंड वेनसडे एंड संडे एंड ट्यूसडे 3 बजे, मंडे एंड फ्राइडे 5:28 में, वेनसडे एंड संडे 9 बजे और ट्यूसडे 3 बजे हम लोग बीओएम करते हैं, तो उस बीओएम में हम अपने लोगों को बुला सकते हैं। देवेंद्र जी आप हो गए हमारे साथ कनेक्ट? देवेंद्र जी है आप हमारे साथ? म्यूट तो है लेकिन आपकी आवाज, अनम्यूट तो है आप लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर? हाँ बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। तो फाइनली हम लोग आज की मीटिंग को ओवर करना चाहेंगे और आप सभी लोगों को बस एक ही चीज कहना चाहेंगे कि देखिए आपका आपका बिजनेस आपके हाथ में है, आपका बिजनेस। देवेंद्र जी लिख रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम, ओके कोई बात नहीं, आपका बिजनेस आपके हाथ में है तो इस बिजनेस को गति देना ये भी आपके हाथ में है। और रिजल्ट प्रोड्यूस कैसे होगा,
रिजल्ट होगा जब हम बिजनेस में एफर्ट डालेंगे, यानी नए लोगों को प्लान कर दिखाएंगे। 4R के बारे में हम लोग बात करते हैं, रीपर्चेस, रिटेलिंग, रिक्रूटमेंट एंड रिटेनिंग। आज के लिए इस मीटिंग को हम लोग यहाँ पे ओवर करेंगे और महावीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि महावीर जी ने अपना इतना कीमती टाइम दिया और हमारे साथ इतनी सारी चीजें शेयर करी। और एक मिनट के लिए अगेन इस मीटिंग को ओवर करने से पहले हम लोग महावीर जी आपको मुझे स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करना पड़ेगा ना। ओके तो एक मिनट के लिए हम लोग अगेन से वो RTP वाला वीडियो देखेंगे और हम में से जितने लोग जहां पर भी हैं, जिस जगह पे भी बैठे हुए हैं, अपने इस वीडियो को देख कर करके एक मिनट का एक विजुअलाइजेशन हम लोग करेंगे कि हम लोग इस RTP में मौजूद है। और जो लोग अपने वाइफ के साथ आना चाहते हैं, एज अ कपल आना चाहते हैं, वो एज अ कपल विजुअलाइज करेंगे कि हम इस RTP में मौजूद है, राइट? क्योंकि सक्सेस पाने से पहले सक्सेस को विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। तो पहले हम लोग एक मिनट की वीडियो को देखते हैं और लास्ट एक या दो मिनट में आपका और टाइम लूंगा इस विजुलाइजेशन में आपकी मदद करने के लिए, राइट? तो पहले हम लोग ये वीडियो को अगेन देखते हैं। सभी लोगों ने ये वीडियो को बड़े ही ध्यान से देख तो लिया। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं आज की मीटिंग को ओवर करने से पहले, राइट? तो आप सभी लोग होपफुली तैयार हैं? इंटरनेट ठीक ठीक काम कर रहा है? ग्रेट। तो अभी अभी जहां पर भी हैं, थोड़े देर के लिए जिस जगह पे भी हैं, अगर आप चल रहे हैं तो काइंडली बैठ जाइए, और बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा थोड़ा सा पीसफुली बैठ जाइए। और सभी लोग एक गहरी और लंबी सांस के साथ में अपनी आंखों को बंद कीजिए और 3 बार गहरी और लंबी सांस लीजिए। एक, हर सांस के अंदर जाने से और सांस के बाहर आने से आप बिल्कुल ही काम हो रहे हैं, आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं, आप बहुत पीसफुल हो रहे हैं, आप बहुत ही अंदर से हल्का और अच्छा महसूस कर रहे हैं। आज वो दिन है जो ये RTP होने वाली है और आप अपने शहर से निकल करके जर्नी तय कर करके एकदम उस RTP के लिए निकल चुके हैं और आप बस दिल्ली स्टेशन पे उतर करके वो मेट्रो से, वो ऑटो से, वो कैब से आप उस होटल के लिए जा रहे हैं और रास्ते में बहुत ही सुंदर सा सीन्स दिखाई दे रहा है, बहुत सारी ट्रैफिक्स भी दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। थोड़े देर की जर्नी के बाद आप उस होटल के एकदम मेन एंट्रेंस पे पहुंचते हैं और एंट्रेंस के पास आप जैसे ही अपना लगेज उतारते हैं, सामने से भागा हुआ एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी जो कि वहां पर वॉचमैन का काम करता है या वहां पर का सिक्योरिटी वाला है, वो आता है, आपके बैग को लेता है, आपकी टैक्सी में से बैग को निकालता है और आपको सल्यूट मारता है और कहता है सर आइए आगे। आप जैसे ही गेट पे पहुंचते हैं, सामने से एक बहुत ही खूबसूरत सी महिला आती है जो हाथ में दीप और थाली लिए हुए आपके इसको एक टीका करती है और ये क्या आपके साथ में आपके की लाइफ पार्टनर है, आपके साथ में आपके टीम के भी कुछ लोग हैं। और आप जैसे ही अंदर देखते हैं, सामने सोफे पे बैठे हुए आपको देवेंद्र सिंह राठौर जी दिखाई देते हैं, उधर से महा
रणवीर जी भी अपनी वाइफ के साथ सोनम मैम के साथ आ रहे हैं, और ये क्या आपको दूसरी तरफ में विकास जी यानी कि मैं भी दिख रहा हूँ, मैं इधर से हाथ हिलाता हूँ, आप भी हाथ हिलाते हैं, और दोनों को एक दूसरे को देख करके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आती है। और जब उस होटल में एंटर करते हैं, आप अपना आईडी कार्ड देते हैं, होटल वाला आपको रूम देता है, रूम देख कर करके आपका मन खुश हो जाता है, आपको लगता है वाह क्या शानदार रूम है। आप जर्नी से थोड़ा थके हुए हैं, आप जाते हैं अंदर वॉशरूम में जाते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी के टब में उसमें आप नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, और बहुत ही शानदार कपड़े आपने पहने हैं। और जब आप मीटिंग हॉल में जाते हैं तो मीटिंग हॉल में आपको दिखाई देता है, तो ये तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोग आए हुए हैं, तो कुछ लोग आसाम से हैं, कुछ लोग पंजाब से हैं, कुछ लोग हरियाणा से हैं, कुछ लोग राजस्थान से हैं, कुछ सारे लोग तो दिल्ली से भी है, कई सारी टीमें अलग अलग स्टेट से आई है जिनको आप बाई फेस नहीं जानते, बाई नेम भी जानते हैं, बहुत सारी अलग अलग टीमें हैं जो अपने टीम को साथ बहुत ज्यादा चेयर कर रही है, और एक बहुत ही रॉकी म्यूजिक बज रहा है, और उधर से सारे अचीवर्स अपना अपना जगह पे बैठे हो, आप भी जाकर के आगे का जो टेबल है उस पे जाकर के आप अपने टीम के साथ बैठते हैं, और बहुत ही शानदार इवेंट चल रहा है, पूरे दिन का जबरदस्त इवेंट के बाद रिकॉग्निशन का टाइम आता है, और रिकॉग्निशन के टाइम में जब आपका नाम बुलाया जाता है तो सारे लीडर्स उठ के खड़े होकर तालियां बजाते हैं, क्लैप बजाते हैं, और इधर से आपके लिए वो मोमेंटो लेकर करके एक व्यक्ति आ रहा है, और आप स्टेज पे जाते हैं, लोग आपको चेयर करते हैं, बहुत ही जबरदस्त फीलिंग रहती है। और इसके साथ में बाबा सर भी वहां मौजूद है, लता मैम भी वहां मौजूद है, अमिताभ सर भी मौजूद है, महावीर सर भी मौजूद है, सब लोग आपकी फोटोज खींच रहे हैं, सब लोग अपना फेसबुक पे लाइव कर रहे हैं, पूरी पार्टी है, पूरा जबरदस्त एंजॉय हो रहा है। अगले दिन सुबह आप स्विमिंग पूल के तरफ जाते हैं, उधर फोटोज खींचते हैं अपने टीम के साथ, फिर उसके बाद आप डिनर में आते तो आप देखते कि एकदम बहुत सारी चीजें लगी हुई है, एकदम अलग अलग डिश लगा हुआ है, और देख करके आपका अंदर से मन बड़ा ही खुश होता है, लगता है कि यस क्या लाइफ है, क्या जर्नी है, आपकी टीम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है माय डियर फ्रेंड, और उसके साथ में ये पूरा इवेंट आप पूरा जम के एंजॉय करते हैं, और आप कहते हैं कि लाइफ हो तो ऐसी, राइट माय डियर फ्रेंड, ये मैंने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन बताई, और आप अगर इसको विजुलाइज कर सकते हैं तो आप इसको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेस के बारे में कहावत है, जिस चीज को आप यहां विजुलाइज नहीं कर सकते उस चीज को आप यहां अचीव नहीं कर सकते, राइट। तो मैं आप सभी लोगों का उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ मीटिंग में अभी जितने लोग मौजूद हैं, हम सभी लोग इस लॉकडाउन के बाद 2020 के इस इवेंट खत्म 2020 के बाद 2021 में एक अच्छी शुरुआत के साथ में हम लोग फरवरी के महीने में मिलेंगे, और फरवरी के महीने में हम लोग मुलाकात करेंगे दिल्ली में। मैं आप सभी का वेट कर रहा हूं कि हम लोग दिल्ली में इस बार मिले और एक शानदार साल 2021 को बनाएं, और इसी के साथ मैं आप सभी के इस प्यार और सम्मान के लिए बहुत ज्यादा आभारी हूं, क्योंकि जो प्यार और जो सम्मान आपसे मुझे मिलता है ये मेरे मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण है। तो आज की मीटिंग को ओवर करना चाहूंगा, और मिलते हैं अगले फ्राइडे अगली मीटिंग में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।